हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज के वीडियो के अंदर हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में प्राचार्य ग्रेड 1, प्राचार्य ग्रेड 2, उप सहायक संचालक जो आपका था, उप संचालक था और सहायक संचालक की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में भी बता दिया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता दिया है। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल सिलेबस का डिस्कशन यहां पे करेंगे कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, यहां पे मैंने सिलेबस को ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि जो आपका पेपर है, मैंने आपको बताया है कि जो आपका पेपर है वो पेपर आपका दो सेक्शन में होगा। एक तो आपका सेक्शन ए होगा और दूसरा आपका सेक्शन बी होगा। क्लियर? सेक्शन ए जो होगा ये, इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाना है और इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाना है। क्लियर? तो सेक्शन ए जो रहेगा, ये तो मैंने आपको बताया कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का आपका पेपर होता है, सिमिलर इन्होंने उसके जैसे ही आपका सिलेबस रखा हुआ है, जिसके अंदर आपसे एमपीजी के पूछा जाएगा। क्लियर? जिसके अंदर आपसे एमपीजी के पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और आईसीटी के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है खंड आ मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। क्लियर? इसके अंदर आपसे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, प्रमुख राजवंश क्या थे, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति क्या है, जनजातियां एवं बोलियों के बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे, त्योहार हुआ, लोक संगीत हुआ, लोक कलाएं हुई। क्लियर? प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं क्या है, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पहला टॉपिक जो है मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान्य ज्ञान के अंदर, ये आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप आओगे आगे तो मध्य प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के वन आ गए, पर्वत, नदियां, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु हुआ, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। क्लियर? भूगोल के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र से भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, जैसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन होंगे, सामाजिक व्यवस्था। क्लियर? जनगणना आपका हो गया है, आर्थिक विकास आपका हो गया है, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं उससे क्वेश्चन हो गए हैं, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि पे आधारित उद्योग से आपसे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखें तो नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं यहाँ पे हैं, जिसके अंदर समसामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं, राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, जो मैंने आपको बताया है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑलरेडी आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी अगर कर रहे हो तो ये जो नॉन टेक वाला पार्ट आपका है, पार्ट ए जो आपका है, ये तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है, सेम ही पूछा जाएगा, कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, यही आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर किया हुआ है इसको, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है आप वो देखो कि जो पार्ट बी आपका है, जिसके अंदर वो इंजीनियरिंग सेक्शन और आपका जो स्किल डेवलपमेंट वाला है। क्लियर? इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। क्लियर? तो सबसे पहला यहाँ पे ये है कि इंजीनियरिंग के अंदर ये आपसे क्या पूछने वाले हैं और स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर आपसे क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखी है
स्पेसिफाई ब्रांच नहीं की गई है, सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री को किया गया है, अगर आपने नोटिफिकेशन को देखा होगा तो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आपका जो पहला टॉपिक यहाँ पे है, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या क्या है, जिसके अंदर आपको वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इंडिया का पढ़ना रहेगा, करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑन वोकेशनल एजुकेशन, स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये आपके सब टॉपिक्स रहने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपसे जो टॉपिक पूछा जाएगा वो है स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। क्लियर, तो मध्य प्रदेश में आ गया आपका वोकेशनल एजुकेशन का, जैसे टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट क्या है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एंड एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट इन स्किल डेवलपमेंट फेसेस पर्पज आउटकम्स द प्रोजेक्ट टेकन अप सो फार फॉर स्किल डेवलपमेंट वेरियस पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एनहेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो आपका है, जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी वगैरह होती है ना, ठीक है, एफिलिएटेड होती हैं, तो वो आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर एक और इन्होंने जोड़ा है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एक इन्होंने ये सब्जेक्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट ही मान लो ये जोड़ा हुआ है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट IITs आपको बताना है, रिपोर्टिंग सिस्टम रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताना है, SWOT एनालिसिस विजन मिशन गोल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के बारे में बताना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपको बताना है, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो आप देखो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में आपको बताना है, वेरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट की आपकी स्कीम चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो आपकी है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो आपका है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम आपका हो गया, संकल्प स्कीम आपका हो गया, क्लियर, ये हो गया। अब जो इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है ना, उसमें देखो आप, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग देखना यहाँ पे इन्होंने क्या जोड़ा है, मतलब सारे सब्जेक्ट ही जोड़ दिए, हर एक ब्रांच का एक एक सब्जेक्ट, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपको दे दिया, इसके अंदर फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्स इक्विलियम ऑफ रिजिड बॉडी जो मैकेनिक्स वाला पार्ट होता था BCEEM करके ऐसा आता था, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके आता था आपका सब्जेक्ट, वो वाला सब्जेक्ट आपको पूरा यहाँ पे दे दिया, वो सेकंड वाला पार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, क्लियर, कॉलम्स फ्रिक्शन क्या होता है, इक्विलियम ऑफ बॉडी इन्वॉल्विंग ड्राई फ्रिक्शन बेल्ट फ्रिक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक दिया है इन्होंने। नेक्स्ट आप आओगे ना तो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स टेक्निकल ड्राइंग ड्राइंग के इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, डायमेंशनिंग स्केल क्या होता है, ED जो पढ़ा था ना आपने, प्रोजेक्शन ऑफ प्लान क्या होता है, सॉलिड और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या होता है, वो हो गया। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, अब यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आपका ये थर्मल साइंस, ठीक है, जिसमें थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ना है, मतलब मैकेनिकल वाले जो पढ़ते थे ना जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट फंडामेंटल, वो फंडामेंटल वाला सब्जेक्ट यहाँ पे इन्होंने जोड़ा है, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज फॉर्म ऑफ एनर्जी थर्मोडायनामिक सिस्टम टाइप्स ऑफ वर्क, क्लियर, ये आपको इंट्रोडक्शन ऑफ IC इंजन हो गया, बेसिक आइडिया ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस, जो आपने वर्कशॉप किया होगा ना, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, वर्कशॉप आपको लेके जाते थे, क्लियर, लेथ मशीन वगैरह जहाँ पे चलाई होगी, तो उससे रिलेटेड आपको ये सब्जेक्ट दे दिया, जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेज इंडक्शन ऑफ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिक टर्मोलॉजी यूज्ड मटेरियल्स प्रॉपर्टी देयर एप्लीकेशन डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं प्रॉपर्टीज, क्लियर, बेसिक हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, फिटिंग इंट्रोडक्शन टूल्स फिटिंग मेजरिंग मार्किंग स्वेइंग फिलिंग टैपिंग वेल्डिंग क्या होता है, मेटल कटिंग क्या होता है, मतलब जो वर्कशॉप वाला आपने पूरा प्रोजेक्ट किया था ना फर्स्ट ईयर में, वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस यहाँ पे दे दिया, तो मतलब फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ा है ना बेसिक बेसिक, क्या आप सारी ब्रांचेस का नॉलेज ले लो,
आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं भाई हम सेकेंड ईयर से चालू करेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो वो जो बेसिक सब्जेक्ट आपके हैं ना, वो सारे बेसिक सब्जेक्ट यहाँ पे इंजीनियरिंग में पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ना है, ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस आपका यहाँ पे आ गया, क्लियर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस आपका आ गया, मतलब ईसी वाले जो होते हैं ना, तो उनका ये सब्जेक्ट आ गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के बारे में पढ़ना है, क्लियर। फिर आया आपका कोर जो सिविल वाले हैं, सिविल के लिए, और सिविल के अंदर यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले देखो, आप देखो सर्वेइंग बोल दिया, उसके बाद फ्लूइड की प्रॉपर्टी मतलब एफएम आपका आ गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स आपकी आ गई, मतलब ये सीपीएम वाला पार्ट आ गया, टेस्ट एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर मतलब ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका आ गया, टाइप ऑफ डैम एंड कैनाल रेनफॉल मेजरमेंट मतलब ये हाइड्रोलॉजी और आपका इरीगेशन वाला जो पार्ट है वो आ गया। तो सिविल के अंदर आपके ये टॉपिक्स हैं, क्लियर। तो मतलब अगर आप देखोगे ना तो पर्टिकुलर सिविल के अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट हो गए, मतलब सिलेबस बहुत दे दिया है इन्होंने, ठीक है। मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना बेसिक बेसिक, बस वही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, कॉन्सेप्चुअल चीजों पे नहीं जाना है, क्लियर। इतना ज्यादा इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया है, सब बेसिक बेसिक। आप टॉपिक्स को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें बेसिक से ही हैं, फैक्चुएट क्वेश्चन बनने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपको बनेंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे उसका भी एक रीजन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप सिविल से हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल आता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो फैक्चुएट क्वेश्चन बनेगा जो बेसिक आपका था, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्लियर। छोटे मोटे जो फॉर्मूले होते हैं ना बेसिक में आपने जो पढ़ा होगा तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा ऐसा कॉन्सेप्चुअल के इलेक्ट्रिकल का, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट वाला आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है, ठीक है। तो डरना नहीं है सिलेबस से, अगर करोगे तो हो जाएगा, और अच्छी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, क्लियर। सिलेबस थोड़ा सा मानता हूँ कि ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपके लिए नया हो गया है एक तरीके का, क्लियर। लेकिन फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका वेल एंड गुड, वही है जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लियर। एक और चीज आपको बता दूं, न्यू बैच इसके अनाउंस होने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। पोस्टल स्टडी मटेरियल हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।